हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय अब्दुल्ला किलकर एंड बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीम 07 के बारे में और इजाज खान के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि मिस्टर फेसो फिलहाल लंदन में है और उसके बारे में लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का तो कहना है कि लंदन पुलिस ने मिस्टर फेसो को पकड़ कर रखा है। तो फ्रेंड्स, क्या सच्चाई इस वीडियो में, मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में टीम 07 से रिलेटेड और मिस्टर इजाज खान के बारे में जितने भी कंफ्यूजन है आपके मन में सब कुछ दूर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, टीम 07 के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट लेते हैं मिस्टर इजाज खान के बारे में। तो फ्रेंड्स, मिस्टर इजाज खान ने 17 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा घर में फिर से एक बार पुलिस आना जाना शुरू कर दिया है, रात में आना जाना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उसके एक दिन बाद ही ठीक 2:30 बजे उसे मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। वापस से मेरे खिलाफ बहुत बहुत साजिशें हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, फिर वही पुलिस वाले सीन, फिर पुलिस आना, रात को घर पे आई 2 बार। पर यार, जाको राके साइया मार सके ना कोई, यार अल्लाह ताला मेरे साथ है और तुम लोग मेरे साथ हो। लेकिन इस बार अगर मेरे साथ कुछ हुआ और तुम लोग रोड पे नहीं आए और तुम लोग नहीं आए तो ये समझ लेना कि फिर कोई भी इजाज खान आपके लिए कभी आवाज खान का। तो फ्रेंड्स, ये तो था इजाज खान का अरेस्ट होने का पहले का वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आखिरकार इजाज खान को अरेस्ट क्यों किया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना यह है कि इजाज खान जातिवादी को लड़ाने का काम किया, और कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्होंने टिकटॉक पर ऐसे वीडियो बनाए जिसमें मुंबई पुलिस का मजाक उड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैंने तुरंत उसका टिकटॉक आईडी जाकर चेक किया। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, उसका टिकटॉक वीडियो पर या फिर आईडी पर उसका कोई भी ऐसा वीडियो नहीं था जिसमें किसी भी जातिवादी को लड़ाने का काम किया। हाँ, एक वीडियो में थोड़ा सा डाउट हमको भी लगा कि हाँ, उन्होंने शायद मुंबई पुलिस का मजाक उड़ाने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यार गवाह गांधी जी का नहीं। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यार गवाह। आप लोगों ने जो दो वीडियो देखा उसमें से एक वीडियो में मिस्टर फेसो है, जो कि पुराना वीडियो है, और एक न्यू वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो पर हो गया इजाज खान पर केस। इसमें इस वीडियो में बताया गया कि इस वीडियो के जरिए मिस्टर इजाज खान ने मुंबई पुलिस पर मजाक उड़ाया। तो फ्रेंड्स, सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक मूवी का डायलॉग है जिसमें इन लोगों ने डब किया है या फिर लिफ्टिंग किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आगे बात करें। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है। तो फ्रेंड्स, देख लिया आप लोगों ने ये वीडियो। हमें लगता है यार कि टिकटॉक वाले को एक छोटा सा डिस्क्लेमर बना देना चाहिए ताकि उनका आगे चल के ऐसे परेशानी नहीं हो, क्योंकि यार हमारे देश में लाखों ऐसे लिफ्टिंग वीडियो होते रहते हैं, खास करके मूवीज का। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हेड फैलाने का कोशिश किया। और फ्रेंड्स, रही बात इजाज खान की, अगर वाकई में इजाज खान हेड फैलाने की कोशिश की तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो तय करेगा क्या होगा नहीं होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक यूजर्स के लिए एक बैड न्यूज है। 22 जुलाई से हो सकते हैं टिकटॉक बैन। इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रिलीजन से रिलेटेड टिकटॉक से 24 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर उन्होंने 24 क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर दे दिया तो फिर इंडिया में टिकटॉक चलेंगे, वरना बैन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपका क्या राय है कि टिकटॉक चलना चाहिए या फिर बैन होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो टिकटॉक से लाखों लोगों का पेट चल रहा है, लाखों लोगों का घर चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या टिकटॉक बैन होना चाहिए या फिर चलना चाहिए, ये आप अपनी राय हमें कमेंट। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इजाज खान जेल में है और उसकी कार्रवाई 22 जुलाई को होगा, और उसी दिन शायद टीम 07 के मिस्टर फेसो और अदनान अरशद, जिसके आपको पता होगा कि तीनों के ऊपर एफआईआर हुआ था, तो उसका भी शायद उसी दिन कार्रवाई हो सकता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे थे कि लंदन पुलिस ने मिस्टर फेसो को पकड़ के रखा है वगैरह वगैरह, तो ये सब सारी चीज़ें झूठे हैं और गलत है। ऐसे अफवाहों से बच के रहे और ना ही फैलाने दें। अगर कोई बंदा इस तरह की वीडियो अगर बनाता है तो इस वीडियो को शेयर ना करें, क्योंकि ये सरासर गलत है और बिल्कुल ही गलत है और फेक है। तो ऐसे वीडियो से बचें और ऐसे अफवाहों से बचें। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना राय हमें कमेंट में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिव दिस बिग थम्स अप, और सब्सक्राइब कर दो यार, अपना भाई का चैनल है। और फ्रेंड्स, फॉलो कर लो हमें इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।